मैं राजेंद्र राजपूत कैमरामैन दिनेश प्रताप के साथ गए और थे देख रहे हो मारो राजस्थान टाइम्स। और आज आप हाँ बादरा गए पंचायत समिति कार्यालय जठे। पिछले 7-8 दिन हूँ एक प्रक्रिया चल रही है धरने की। भी धरने में जो सरपंच यूनियन धरनों दे रखे हो बिंग सागे आज LDC कार्यालय संघ और पंचायती मंत्रालय कर्मचारी संघ जो है LDC और ग्राम सेवक सारा जो आप मिल गया आपको है अनिश्चितकालीन धरनों दे रखे हो। क्यों दे रखे हो क्या मैं दे रखे हो के मांग है वह आपने पूछांगा के मांग चाह रहे है के आगे सागे गलत हो के आगे ज्यादती हुई है वह भी पूछांगा। क्योंकि कर्मचारी जब हड़ताल पर बैठ जाए तो आमजन ने परेशानी हुए आमजन जो पंचायत में काम करवावे पंचायत समिति में काम करवावे या ए भाई कर्मचारी है जो राशन कार्ड उन लेगे अपने मूल निवास उन लेगे हर चीज़ में काम पूरी करे पंचायत के ऊपर जो है तत्पर हूँ आपकी ड्यूटी देता रहे। और आज भादरा विधानसभा का टोटल कर्मचारी जो LDC है और जो पंचायती राज कह सको ग्राम सेवक जो है सारा का सारा आपका धरने पर बैठे हैं। आप आज आगे बात सुनागा जो जितना है कर्मचारी जितना भी पंचायती राज का कैस का आप पंचायत स्तर पर सारा का सारा धरने बैठे हैं और आप थारी बात करवाऊँगा पूछांगा आगे मांग के है भाई साहब। राम 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 जी। काम करने की नीत कौन रही के कोई ज़्यादा ही बात जाती होगी? नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है। नरेगा के कच्चे कार्यों के चलते जांच के अधीन भाडी ग्राम पंचायत के ग्राम विकास अधिकारी भीम सिंह और तत्कालीन ग्राम विकास अधिकारी महेंद्रपाल जी धारीवाल और खचवाना ग्राम पंचायत के ग्राम विकास अधिकारी दौड़ूराम एवं एक कनिष्ठ सहायक भाडी ग्राम पंचायत के कनिष्ठ सहायक भौरी को निलंबित CEO साहब द्वारा निलंबित किया गया है एवं श्रीमान जिला कलेक्टर महोदय द्वारा JTA हंसराज को बर्खास्त सेवा से बर्खास्त किया गया जिसके चलते कर्मचारी यूनियन में असंतोष है और जिसके चलते हमने 23 जून को श्रीमान SDM महोदय और श्रीमान विकास अधिकारी पंचायत समिति भादरा को ज्ञापन देके और इनकी बहाली बाबत 26 जून तक का टाइम दिया था उस पर किसी प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं की गई। इसके चलते आज दिनांक 27 जून 2022 से समस्त कर्मचारी यूनियन पंचायत समिति भादरा की समस्त कर्मचारी यूनियन मंत्रालय कर्मचारी संघ PO संघ और JTA संघ सभी है वो अनिश्चितकालीन धरना दे रहे हैं। जो कार्रवाई थे बता रहे हो सस्पेंड की निलंबित की वो तो एक न्यायिक प्रक्रिया है। न्यायिक प्रक्रिया तेन कोई जांच हुई होगी कोई जांच करके सस्पेंड कराया होगा उसके कोई कमियां मिली हुए या कोई बिना ही कमियां कर दी? नहीं कच्चे काम पेटे किया गया है। यहाँ पर लेबर है वो काम तो करती नहीं है और इसमें कच्चे काम पेटे सस्पेंड किया गया है। कच्चे काम पेटे सस्पेंड किया गया तो कच्चा काम तो हर पंचायत में चल रहा है साहब सारी पंचायत में चल रहा है जितनी अपनी पंचायत है दो पंचायत भी क्यों कार्रवाई हुई है? बिल्कुल जांच किए जाने पर सभी दोषी मिलेंगे तो सभी दोषी मिलेंगे तो अभी जो कार्रवाई है वह दो भाडी खचवाने पर क्यों हुई है एंगो कोई वो तो प्रशासन की मंशा है वो जाने तो प्रशासन बात करी तो धन के आश्वासन मिले हमें कोई प्रकार का आश्वासन नहीं दिया गया अभी हमारे से कोई वार्ता नहीं वार्ता को नहीं हुई कोई अब आगे को के निर्णय थरो अब जब तक इनकी बहाली नहीं हो जाती तब तक अनिश्चितकालीन धरना चलेगा आगे भी चलेगा। जिला कार्यकारिणी भी कल के ऊपर सौंप रही है उसके बाद स्टेट एक और सुनी जी चर्चा चल रही है आम जनता के अंदर क्या भाडी सरपंच के सागे जो वर्तमान विधायक जी है बाकी कोई द्वेषता है इन्हें खचवाने का जगह सरपंच साहब है बाँस आगे कोई द्वेषता है बांगी द्वेषता पेटे जो बांगी पंचायत पर कार्रवाई होनी है वह अधिकारियों पर उतरी है इसी कोई बात है कि नहीं हम राजनीतिक पेटे के चलते नहीं हम प्रशासनिक जो हमारे उच्च अधिकारी हैं उनके खिलाफ यहाँ अनिश्चितकालीन धरने पर बैठे हैं वो उनका पर्सनल राजनीतिक मैटर है। हम हमारे साथियों को निलंबन जो निलंबित किया गया उसके बहाली बाबत हमारी मांग है। मतलब साथी थारा सागे गए है और बांगो एकलांगो कोई दोष को नहीं अगर जाँच हो तो सारी होगी सारी जाँच में सारा गुनहगार निकलेगा? हाँ सब गुनहगार। हमको कहना है कि जो भाडी और खचवाणा के अंदर जो जाँच हुई है वे में सस्पेंड हुए हैं कितना कर्मचारी है? चार कर्मचारी सस्पेंड हुए बने बिना वजह केस के और कोई द्वेषता की है केस के लेकिन आंगो जो धरनों है वो है आपका जो उच्च अधिकारी है बंग खिलाफ आंगी मांग जो की है कि बंग बहाली नहीं करेगा तब तक अनिश्चितकालीन धरने पर रहेगा और अनिश्चितकालीन धरने पर रहेगा तो जनता परेशान होगी जनता परेशान होगी तो बांगी जवाबदेही जो है वर्तमान जो प्रतिनिधि है विधायक जी है बांगी भी रहेगी और शासन सरकार की रहेगी ए दौरान अगर जनता परेशान हो तो बांगो भी हम जवाब लेंगे कि ये बात हो तो थे तो आज धारली का अनिश्चितकालीन रहेंगे अनिश्चितकालीन में जो आम जन जो पंचायत घर में भी आवे पंचायत समिति में भी आवे थे ही करो वह काम सारा जो चाहे LDC हो चाहे ग्राम सेवक हो तो बांग लोगों को जो काम है बांग के कसूर है चीज के माँ इसके समझ जिम्मेदार प्रशासन है प्रशासन ने पूरी जिम्मेदारी दे रहे थे बिल्कुल तो वर्तमान जो विधायक जी बाहू कोई बातचीत हुई थारी कोई नहीं हमारी अभी तक कोई वार्ता नहीं है आगे कोई वार्ता को नहीं और भी अपने साथ गया बात करांगा LDC यूनियन का अध्यक्ष अपने साथ गए साहब राम 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 आज जो धरनों दे रहा हो
के पक्ष में के मामले में मामलो वो है कि दो पंचायतों में भाडी और खजवाना में जो कर्मचारी है उनके साथ द्वेषता पूर्वक कार्रवाई की गई है, ऐसा उनका कोई कसूर नहीं है कि उन्हें दंडित किया जाए। यही वजह है कि समस्त कर्मचारियों में आक्रोश है। अभी तो ये सिर्फ मंत्रालय कर्मचारी, वो भी पंचायती राज के, और ये ग्राम विकास अधिकारी संघ है। आने वाले एक दो दिन में अगर प्रशासन ने इस बारे में कोई कार्रवाई नहीं करता है या उनके साथ उनके विरुद्ध जो कार्रवाई की गई है वो वापस नहीं लेता है, तो एक दो दिन में समस्त कर्मचारी संघ धरने पर आ जाएंगे। मतलब एक बड़ा आरोप लगाया हो द्वेषतापूर्ण, बिल्कुल आज की द्वेषता है, अद्वेषता कौन कर रहे हैं? प्रशासन कर रहा है। प्रशासन मतलब कोई प्रशासन भी कोई दबाव में कर रहा होगा, प्रशासन ने की व्यवस्था कर्मचारियों को व्यवस्था को नहीं हुआ? प्रशासन क्यों कर रहा है वो तो प्रशासन जवाब देगा, हम थोड़ी बता सकते हैं ये बात। मतलब द्वेषता जगी थे कह रहे हो अकेली खचवाने और भाडी में निकल रही है, और द्वेषता को जो काम है वो द्वेषता का कारण ये है कि कच्चे कामों के विरुद्ध जो जांच की गई है, कच्चे काम दो साल पहले जो किए जाते हैं वो धरातल पर कहीं दिखाई नहीं देते, मिट्टी है, बरसात है, आंधी है, वो ऑटोमेटिक विध्वंस हो जाते हैं। मैं थोड़ा सा जानना चाहूंगा वो कच्चो काम के तरीके काम, जैसे कोई जोड़ खुदाई की गई, रास्ता समतलीकरण किया गया, तो अगर दो साल बाद हम जांच करेंगे, पहली बात तो ये कि परिस्थितियां वैसे ही प्रतिकूल है, लोग काम नहीं करते, और प्रशासन ने और जो उच्च अधिकारी है वो जानबूझ कर उनको बेमतलब 200 रुपए 150 रुपए दे रहे हैं, और पीछा किसी छोटे कर्मचारी को जा रहा है, क्यों दे रहे हैं उनको पैसा? हुआ तो ना जितना उन्होंने काम किया है। मतलब थे कह रहे हो कि एक तो काम हो को नहीं, प्रशासन दूसरो दो साल पहले को कोई काम है, बिंगी जांच कर रहे हैं, और कच्चो काम दो साल को जिया मट्टी है, मट्टी तो दो साल में केवर कैबर बदले, मतलब कोई टांग पूछारी बात को नहीं, कोई बिना मतलब की बात, बिना मतलब की बात है। मतलब कोई किन्ने को धरातल है को नहीं, भाई दो साल पहले कोई कच्चो काम करियो बिंग काम की आज जांच बिठा रहे है, तो वो कच्चे काम को तो कोई है ही कौन, मट्टी है, मट्टी की परत जमेगी, परत जम के वापस भी आओगी, तो दो साल पांच साल बाद में थारो की जिम्मेदारी बिंग में? जिम्मेदारी किसी की नहीं है, यार है तो फिर प्रशासन की है, वो उसी टाइम उसे चेक करे। तो मतलब मैं प्रशासन की एक बात कह दूं, जेके टाइम थे कच्चो काम करवा रहे हो, तो बी टाइम प्रशासन को अधिकारी आगे भी चेक भी करते हो, उस टाइम जो चेक करते हैं उन्होंने किया है और काम हुआ है, तो बे कौन बे में कौन उड़ जाएगी? आईएन ने चेक किया है, जेटी ने चेक किया है, और वो बाकायदा काम वहाँ पर हुआ है, भी जैसा भी और जगह होता है वैसा कम तो काम होता ही है। तो मैं तने एक बात पूछूं, जो आईएन जे इन सारा चेक कर गया तो वो काम पास हो गयो, तो काम पास होने के बाद अधिकारी पुष्टि करे चीज की, थारे ऊपर अधिकारी पुष्टि कर दी, तो आज मेरे पूछना चाहूंगा अधिकारी जो पुष्टि कर गया, उच्च स्तरीय अधिकारी कर गया, तो आज पाछा द्वेषता रोक के कारण मेरे बात थोड़ी समझ में, प्रशासन बताओ बाद में क्यों करेगी यहाँ प्रकार, अधिकारी जगह करके गया जांच या क्लियर करके गया, भाई आज हो रही है हाँ हो रही है, बान भी ऐसा कर लिया, एक तो सीटी को सस्पेंड कर दिया है, मतलब बेहतर साथ दियो तो सेंड कर दियो, मारो साथ कौन दियो, जो वास्तविकता है मूल्यांकन करियो वहाँ, अच्छा, जो हकीकत को मूल्यांकन जगह आदमी करियो, मूल्यांकन करके पैसा दिया नहीं, भुगतान पंचायत समिति करियो, तो बारह एक ग्राम पंचायत समिति जाना, पंचायत भुगतान नहीं कौन करा, ने सस्पेंड कर दिया, अपन जेटीए को बर्खास्त कर दिया, दो इन को 17 CC के नोटिस दिए हैं। अच्छा, मतलब यूं कह सका के बड़ो मतलब गाल में लेंगे, भाई थाने मोरा बना गए, मोटा मोटी बात जी मेरे समझ में आवा है कि थाने मोरा बना गए, खेल बड़ो खेलने लग गए, थारी ईमानदारी पर शक होने लग रहे है, थारो काम कर रहे आंगली उठा गए, और शिकार कोई और है, शिकारी थे सीध में थे आना लग रहे हो, बिना काम का कर्मचारी क्यों पीछे जाओ, कर्मचारी आपकी ड्यूटी करे 8-10 घंटे ड्यूटी पर रहो थे, मिलो भी होते माने, लेकिन थाने जिसको काम मिले भी आदेश काम करो थे, उच्च अधिकारी तरी जांच कर जे भी मैं थारो के तो से तो अधिकारी है, जांच करिए जो तकनीकी आदमी है, जांच करके भाई तो भुगतान करियो है, जब भी बात के कोई मैट्रिक कौन रहे हो, आते एक मतलब आगे को जांच हो ही कौन सके, संभव ही नहीं, आ तो भाई कहावत होगी के टाबर जिद्दी कर ले कह घड़िए के मैं हाथी पाड़ो हाथी में पाछो काटो, बात तो भाई हो रही है, सेम वही है, मतलब खेल बना रखे दर्शक है आगा जो सब अपने सके और भी है लेवांगा। राम राम साहब। हाँ राम राम जी, राम आज की साहब थारे संग अध्यक्ष जगह लगाई एक बड़ो आरोप लगाए हुए है कि द्वेषतापूर्ण जो काम हो रहे है, अद्वेषता कर्मचारियों से किस चीज की द्वेषता है? मैं आपको पूरी बात समझाता हूँ, हमने 23 जून को प्रशासन को ज्ञापन दिया कि अब हमारे ग्राम विकास अधिकारी कनिष्ठ सहायक 4 कर्मचारियों को बिना किसी बेवजह सस्पेंड कर दिया गया, और एक हमारे जेटीए को बर्खास्त कर दिया, तो मतलब हमारा कहना ये है कि जैसे नरेगा चलती है कच्चा काम है, तो 10x30 का हमें
एक ग्रुप में 5 आदमी होते हैं, उनको 10x30 का एक जूल नाप के देते हैं। अच्छा। तो वो 10x30 का जूल है वो 15 दिन में टास्क के अनुसार वो काम करते हैं। और टास्क देता कौन है? जेटीए देता है। नरेगा के कर्मी हैं वो जेटीए है, आईएन है, वो मेजरमेंट के हिसाब से टास्क देते हैं। सरपंच और ग्राम विकास अधिकारी के मात्र मस्ट रोल के ऊपर पास ऑर्डर पे सिग्नेचर होते हैं, सिग्नेचर होते हैं। और वो इसलिए करने पड़ते हैं कि 15 दिन के अंदर अंदर अगर लेबर का भुगतान नहीं करते हैं तो हमारे को बेरोजगारी भत्ता देना पड़ता है लेबर को। हमारे को तो बेवजह इस नरेगा के अंदर घसीटा जा रहा है। आप मतलब 15 दिन काम कर लिया, 16वें दिन जाके आप काम देखोगे, आंधी आ गई, बारिश आ गई, तो वो जो जूल दिया हुआ है वो बराबर मिलेगा। तो आज ये कह रहे हैं कि 2-2.5 साल पहले जो जूल खोदा है, जो जोड़ खोदा है, उसकी पैमाइश कराओ। बाड़ी के अंदर वो जोड़ है वो 40 किला के अंदर है, तो लेबर है वो ज्यादा से ज्यादा 10 या 15 फुट दूर मिट्टी ले जाके डालती है। उसके बाद में कम से कम 5-6 बार बारिश आ गई, कम से कम 5-6 बार आंधी तूफान आ गया। आज वो पैमाइश करवाना चाह रहे हैं कि आपने अगर 4 फुट मिट्टी खोदी है तो 4 फुट मिट्टी का वो पैमाइश कराओ। आज तो वो बराबर है खदान, क्यों मिट्टी तो वही बात है, सात दिन के खोदा सामने पाची पड़ जाएगी, बारिश आओ भागे चल जाएगी। हाँ, तो इसलिए क्या है कि वहाँ कच्चा काम भी है और पक्का काम भी है। कच्चे काम के अंदर जोड़ खुदाई है और पक्के काम के अंदर कोई साइड वगैरह एक कोई छोटी डिग्गी बनी हुई है शायद, वो जाकर के अधिकारियों ने चेक किया, मौके पर साइड पाया गया, मौके पर वो डिग्गी पाई गई। कहने का मतलब जो पक्का काम है, सरपंच साहब कह रहे हैं, वहाँ महिला है सरपंच साहिबान का ये कहना है कि मेरे पक्के काम चेक करो। कच्चे काम तो नरेगा है, नरेगा माटी इधर से उधर डालती है, इधर से उधर डालती है। और हमारे ऊपर अधिकारियों का दबाव रहता है जेटीए आईएन के ऊपर कि इनको 150 रुपए से कम दो ही मत। अच्छा। नरेगा के अंदर हाजिरी के पैसे हैं ही नहीं, काम के पैसे हैं। अगर 10 रुपए का काम किया है तो 10 रुपए, ताश खेल के आए हैं 0 काम किया है तो 0 पैसे। तो जब जो लोग काम नहीं कर रहे हैं उनको 0 पैसा दिया जाए और जो काम कर रहे हैं वास्तविक पूरा काम कर रहे हैं उनको पूरा पैसा दिया जाए। काम के दाम है, हाजिरी के पैसे हैं ही नहीं। फिर भी ऊंचा अधिकारियों द्वारा एक तरीके से ये मानो कि दबाव डाल करके और 150 से कम पैसे देने ही नहीं दे रहे। तो इसमें ग्राम विकास अधिकारी और सरपंच का दोष कहाँ गया? कच्चा काम मतलब है। मतलब एक बात है कि सरपंच साहब जगह यूं कह रहे हैं कि हमारा पक्का काम है, वे जांच करो, वे सही है, बाकी जांच कौन करे? और जगह का मट्टी मिल गया, बाकी जांच करे? मतलब एक खेल बना रखे है कि हमें फसाना ही आना है और जाना है उस जाना है। बात यह है भाई, अब हम तो हमारे लोकप्रिय विधायक जी है, उनसे निवेदन करते हैं कि हमारा सहयोग करें। विधायक जी को शायद पूरी बात की जानकारी नहीं है, उच्च अधिकारियों ने मतलब क्या कि हमारे कर्मचारियों को सस्पेंड कर दिया। अब सरपंच साहिबान है वो हमारे विधायक जी महोदय के साथ में वार्ता चल रही है, हो सकता है कि हमारे विधायक जी हैं वो हमारी सुन भी लें। भाई तारी उम्मीद जायज है क्योंकि मौका का जनप्रतिनिधि है, भाई सुनेगा और भाई करेगा। बाकी देखे रहे होगा 23 तारीख में अवगत करवायो, बाद में आज 3-4 दिन हो गया। हाँ। तो संज्ञान विधायक जी ने भी लेना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, हमारे ऐसे शुभ समाचार आ रहे हैं कि विधायक जी भी हमारी हेल्प करेंगे, तो हमारा भी समय समय पर तारी विधायक जी सुनवाई भी करे, कर्मचारी सुनवाई भी रखे। हमारे भी पीड़ा है, जनता के बार बार फोन आ रहे हैं, लोगों के काम रुके हुए हैं। हम जन सेवक हैं, हमारे को भी बड़ी चिंता है लोगों की, तो ये जितना जल्दी सुलझ जाए उतना बढ़िया है। बाकी नरेगा के अंदर किसी प्रकार का कोई करप्शन नहीं है, कोई चक्करबाजी नहीं है। अगले आदमी के खुद के अकाउंट में पैसे जाते हैं, जितना काम करता है उसकी पेमाइश जेटीए टास्क के आधार पे उसको पेमेंट करता है। ग्राम विकास अधिकारी सरपंच का नरेगा में शून्य रोल है। शून्य रोल मतलब सिग्नेचर करना हो, बने सिग्नेचर करके पास करना हो, ऊपर गाँव काम है मांगा खत्म करना, अगला धनिया काम होगा चीज। मस्ट रोल के ऊपर एक पास ऑर्डर नाम का मतलब सील लगी हुई है, मात्र पास ऑर्डर के ऊपर हमारे साइन होते हैं। इतनो काम है, काम में थाने वह कर रखा हो अपने साथ। मुंड साहब है बिरानी आगे ड्यूटी है, कई बार मैं हूँ मिला करूँ, हम काम देख के मैं भी प्रभावित हूँ। मुंड साहब राम राम। राम राम साहब। ईमानदारी करता करता राज धरने पर बैठने पड़े हुए काम, ईमानदारी की सजा है क्या? मतलब की सजा है साहब, ईमानदारी की सजा है। बिल्कुल है। मतलब एक ईमानदार आदमी आपको काम करता करता अनोबत आ जाए कि अनिश्चितकालीन धरने पर बैठा, बैठना ही पड़े तो मजबूरी है, साथियों बेवजह सस्पेंड करे गए। बेवजह सस्पेंड करे के मामलो लगे था ने वो चीज़? मामलो तो लगे कच्चा काम है, मामलो था नहीं पता है पत्रकार। 2 साल पहले काम करे है वो मूल्यांकन अधिकारी कर दियो, तो भाई टाइम के दौरान ही दोषी पाए तो उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, नियम तो यो कहे। 15वां दिन पखवाड़ा खत्म होता है, टेक्निकल आदमी उसको मूल्यांकन करता है, उसके बाद उसका पास ऑर्डर लगता है, 2 साल बाद में वो कच्चे काम वहाँ मौके पर मिलते नहीं।
दो साल में तो भाई मट्टी हो जाए सारो दूसरे मिल जाए दूसरे काम कराना हो जाए फिर काम और भी कर लिया दो साल तीन तीन पर सेंक्शन करा लिया जोड़ा ना नहीं सरकार ही करवा रही है उच्च अधिकारी करा रहे हैं तो आप के इसका जो नरेगा चाली मतलब कई बार सेंक्शन हो गया हां वही चल रहे बड़ी चल रहे जोड़े पर काम वही जोड़िए फिर कोई जोड़ो खुद अरबे में मट्टी बची गई बिल्कुल बिल्कुल मैं थारो के दोष है चीज नहीं तुम्हारा तो कोई दोष को नहीं बाकी ट्रस्ट के अनुसार पैसा देना चाहिए मूल बात तो है काम के हिसाब को करना काम को ही दाम है और नरेगा 100 दिन को रोजगार गारंटी सुधा है तो जितना काम उतना ही दाम मिलना चाहिए लेकिन उच्च अधिकारी स्तर पर ये दबाव बना के अन्य रुपया ज्यादा दबाव में बैठे तो बड़ा बजट तो खत्म होगा लोगों की नीयत खराब होगी पब्लिक खराब है बैठा वीजा मिला तो लोग तो नहीं करप्शन तो जनता कर रही है कर्मचारी अधिकारी तो कर रही को नहीं फिर मुन साहब एक बात और देखा काम माने नाम मात्र का दिखे में देख के भी आया हालांकि बोलना को नहीं अलग बात है बैठा रहे करिया रहे बने भी पैसा मिलने लग रहा कई जगह उस कई जगह देखा मैं काम भी करे बने बराबर पैसा मिलने लग रहे ओ उसको सिस्टम में ताल में ये उसे एक एक रूप ही करा क्यों ने एक ही रूप करा एक रूप करा क्यों करे बने पैसा बराबर ना करे बने पैसा गलत करा क्यों उच्च अधिकारी है सोचने चाहिए जो ग्रुप काम अच्छा कर रहा है उसको पैसे ज्यादा मिलने चाहिए जो ग्रुप काम नहीं कर रहे वो मेट है उन्हीं का उनके लगे हुए हैं वो मेट जैसे टास्क रहते हैं उनको एक हिसाब से देते हैं कई दिन पहले मेरी एक अधिकारी बात हुई कह रहे हैं कि जी हाँ काम जितो करे नहीं बीसी में आगे पैसा दे इसी कोई बात है कि होना तो ये नियम यो कहे लेकिन दे रहा कौन अधिकारी दे रहा कौन हाँ बिल्कुल पैसा काम ना करो और करो बराबर दे रहे सारा एक ही मसोल उठा के देख लियो रोक थोड़ी है ऑनलाइन बोल रहे हो तो ईब के मांग है थारी है मांग तो है कर्मचारियों बेवजह मतलब पास ग्राम पंचायत एक कार्यकारी एजेंसी है वो नियोजन करती है श्रमिकों का टास्क टेक्निकल अधिकारी देता है न कि ग्राम पंचायत के सरपंच और ग्राम सेवक टास्क नहीं देते जिसकी जिम्मेवारी उसके गढ़ में आनी चाहिए खास बात मतलब साफ जांच होगी अंगे बहाली होनी चाहिए अंगों कसूर को नहीं और अगर कच्चे काम की जांच हो तो सारी सारी पंचायत में आओगी सारा होगा सब पर सब सारा काम करना लग रहे दो पर क्यों होगा कार्रवाई नहीं नहीं ये दो ही पंचायत क्यों सारे मतलब दो ही पंचायत क्यों 49 की 49 राजस्थान में ही जा रही पूरे राजस्थान में होने लग पूरे राजस्थान में यही चल रही है पूरे राजस्थान में बराबर टास्क के अनुसार ही भुगतान हो जांच थोड़ी सी सही होनी चाहिए जांच तो उच्च अधिकारी जो करेंगे वही हिसाब ही हो अधिकारियों यार अधिकारियों का मामला लेकिन ग्राम सेवक और एलडीसी का इसमें कोई रोल नहीं है बात उच्च अधिकारियों की आज है तो एमए सस्पेंड करनी है उच्च अधिकारी है जांच उच्च अधिकारी कर रहे हैं तो मड़ाई काटे बैर खावे बैर तो फर्क को के लगे पत्रकार महोदय बात ने रखो कुल कटू गड़बड़े आपके लोगों का चौथा स्तंभ बताते हैं तो आप इस उजागरता करें ना हमारा जॉब चार्ट बना हुआ है उनके अकॉर्डिंग हमारा क्या काम है सिर्फ मेरे का 6 नंबर फार्म लेकर नियोजन करना है टास्क कौन देता है पैसा कौन देता है उसका अधिकारी ऊपर कौन जाता है तो वो क्या कर रहे हैं हम क्या कर रहे हैं हमारे खिलाफ 15 दोस्तों उसी टाइम लगाना दो साल बाद में उसका क्या है धर ले कंधे ने इस्तेमाल कर रहे हैं भाई कट्टे को काटने में तैयार है खरबूजो कटे फौज साहब अपने सागे आ जाओ सब थोड़ा सागे ईमानदारी की कह रहे हैं सजा जकी है ईमानदारी के ऊपर आ रही है ईमानदारी में काम करने की आ रही है और जिया का मुंड साहब बताई कि अगर कच्चे काम की जांच होए तो पूरे राजस्थान में सेम काम बराबर काम चल रहे हैं और अगर जांच की बात आवे तो उच्च अधिकारी तो उन्हें सस्पेंड करनी है उच्च अधिकारियों की जाँच करनी है तो वह जाँच और सस्पेंशन जो है दोनों एक ही आदमी करना है तो जाँच में घड़ों से माना लागू को नहीं हो सके कमेटी अलग बने अलग कमेटी बनाएंगे जाँच कराई जाए अगर विधायक जी और जनप्रतिनिधि कोई सुन रहे हैं तो निष्पक्ष जाँच हो निष्पक्ष कोई अलग अधिकारी बिठा के जांच करी जाए हमारा निवेदन है सब राम राम नमस्कार जी एक सेवा पहली कर गया या एक सेवा अब कर रहे हो हाँ जी वो देखो अभी और बाकी और भी जैसे जेटीए संघ है या अपना एडीओ संघ है सभी हमारे साथ में समर्थित हैं और अनिश्चित काल के धरने पे हम बैठे हैं और जब तक इनका निलंबन वापिस नहीं लिया जाता है इनको बहाल नहीं किया जाता है तब तक हम अनिश्चित काल के लिए धरने पर रहेंगे और आपके चैनल के माध्यम से हम माननीय विधायक महोदय व ऊंचा अधिकारियों से निवेदन करते हैं कि इस जांच को पुनः जांच दोबारा करवा करके और इसका दूध का दूध और पानी का पानी किया जाए और हमारे कर्मचारियों को बहाल किया जाए हाँ जी मतलब आप थे कई होगा दोबारा जांच करी जाए जबकि मार्क ने एक जानकारी है कि जांच दो बार हो गए तीसरा फिर जांच हुई बतावे दो बार भी जांच में कोई गड़बड़ी को नहीं मिली फिर तीसरा फिर जांच हुई है तो अब और के उम्मीद करा मतलब है चीज की देखो जी ये तो आप भी इस चीज को थोड़ा सा दिमाग से लगाएं तो कि दो तीन बार जांच हो गई और पहले जांच में हरी झंडी मिली है अभी दोबारा जांच ये कोई दवेस्ता का या कोई कारण हो सकता है लेकिन हमारे जो कर्मचारी हैं इसमें निर्दोष हैं
तो हमारा तो ये ही रोष प्रकट है इस चीज में कि हमारे कर्मचारी जो निर्दोष कर्मचारी हैं, जो इनको बेवजह इनको निलंबन किया गया है, तो उसमें जैसे मनरेगा के जो कच्चे काम होते हैं उसमें ऐसा कोई क्या भ्रष्टाचार है, उसमें जो उनका जो पैसा है, उनकी जो दिहाड़ी है, वो उनके मस्ट्रोल के जरिए उनके खाते में जाती है, श्रमिक के खाते में जाती है, उसमें ग्राम विकास अधिकारी और कनिष्ठ आयक LDC का क्या रोल रह जाता है इसमें, वो कहाँ इसमें स्लिंग है। अगर भ्रष्टाचार करता है तो बांगा खाते में नहीं आता, तो भ्रष्टाचार हो तो पीछे पीछे रुकता तो कसका, तो वो भ्रष्टाचार की श्रेणी में था। जब उनके खाते में उनका पैसा जा रहा है, उनके जो उन्होंने जितनी मजदूरी उनकी बनती है उसके अनुसार उनके खाते में जा रहा है, तो भ्रष्टाचार कहां रह गया। तो इसी में हमारा दुख है इस चीज का कि हमारे साथी गण कल ने हमारे साथ भी ऐसे ये हो सकता है, तो उस व्यवस्था आज बांगी पंचायत की है तो कल है दूसरी पंचायत की भी हो सके, जो आपसी व्यवस्था है वह कर्मचारी यहाँ पर क्यों निकले थारो कहना यही है। हाँ, हमारा तो बस यही निवेदन है कि जैसे कच्चे काम है, चाहे कोई भी पक्का काम हो, कच्चा काम हो, मनरेगा का काम हो, जो उनका टास्क के अनुसार उनका जब वो किया जाता है, मेजरमेंट किया जाता है, उन्होंने जितना काम किया है उतना उनको दाम मिलना चाहिए, उनको पैसा मिलना चाहिए। और जो हमारे कर्मचारी जो सस्पेंड किए हैं बेवजह निर्दोष कर्मचारी, उनको बहाल किया जाए और हम सहर्ष यहाँ से अपना धरना, हम अपने काम पे लौट जाएंगे। हमें दुख है इस चीज का कि लोग यहाँ चक्कर काट रहे हैं और लोगों को परेशानी हो रही है इतनी गर्मी के अंदर, और तो इस बात का हम इस वजह से हम विरोध कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद अपने सागे हार आंगो कहना है कि जो दो पंचायत कर्मचारी सस्पेंड होया है, बन सस्पेंड करे है, बाकी निश मतलब बिल्कुल जांच, स्पष्ट जांच होनी चाहिए, और अगर कच्चे काम आंगो पर बन दोषी ठहराए गए, भ्रष्टाचारी कहे गए, तो पूरी पंचायत पूरे राजस्थान में आंगा कच्चा काम चल रहे थे, पूरे राजस्थान में जाँच होनी चाहिए। अगर कोई द्वेषता करिए, अगर कोई द्वेषता के आधार पर करिए, तो द्वेषता आपस में होनी चाहिए, कर्मचारियों पर नहीं होनी चाहिए। आंगो कहना है कि मैं जनता की परेशानी समझा, आमजन की परेशानी समझा, कि जब तक हमारा जो साथी है मैंने सस्पेंड कराया गया, बाल नहीं कराया जाए, मैं उठा को नहीं आगे। यह बात है कि हमारी विधायक जी में बात हो रही है, समय समय पर मैं कह रहे हैं कि हमारी बात सुनी जाएगी, वो भी उम्मीद है कि आगे जो बात रखी गई है वह बात सही है, और सही बात पर आगे जो है कि उम्मीद है कि मन जल्द ही न्याय मिले, और हमारा जो साथी है वह दोबारा ड्यूटी पर आओगे, ड्यूटी पर आते ही आपको धरना समाप्त कर देगा। ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो शेयर करो, लाइक करो, धन्यवाद।